इसलिए मैंने उसको वो खुद मैंने उनको वो उस बोर्ड में नहीं डाला जिसमें मैंने पढ़ा था. तो मैंने 10 साल गवा दिए उस बोर्ड में, मैंने उनको एक दूसरे बोर्ड में डाला है जहाँ पे एक ओवरऑल डेवलपमेंट में. इमरान और बाकी सब लोग तो पूरा जैसे आपसे थोड़े से पहले एजुकेशन सिस्टम के, आपके जो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताओगे आप, आपका कैसा अनुभव रहा है, मतलब इंजीनियरिंग कर रही थी तो हमारे थर्ड ईयर में एक सब्जेक्ट था रेडियो एंड टेलीविजन. तो हमें सिखाया जा रहा था अबाउट CRT TVs जो बड़े से है हमारे पेरेंट्स के जमाने के, और जो बाहर डेवलप हो रहा था वो LED LCD वो थिन स्लिम टीवी के बारे में. तो जॉब हमें उसके बारे में करना है पर पे चल रहे थे हाँ वही तो ना, तो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट. अगर सिखाया जाए कुछ और है एक ज़माने का और जो बन रहा है बाहर वो कुछ और है, तो देर इज़ नो लाइक कोइंसिडेंस, देर इज़ नो कोरिलेशन. और फिर हम प्रिपेयर्ड भी नहीं है, फ्यूचर रेडी नहीं है, हमारा सिलेबस आउटडेटेड है, तो हम कैसे प्रिपेयर्ड होंगे यार, बिकॉज एजुकेशन सिस्टम इज सो R&D नहीं है, इनोवेशन नहीं है, तो फिर क्या है? वेरी मच. आपने ट्वीट किया था, कोई जवाब मिला प्रकाश जी? नहीं नहीं मिला, क्योंकि क्या है ना कि हम थोड़े क्रिटिकल हैं एजुकेशन सिस्टम को लेकर, इसलिए हमने नाम लिखा है चीट इंडिया, जो बदल चुका है बाय चीट इंडिया. तो जिस तरह चीटिंग माफिया हमारे देश को चीट करती है, इसलिए हमने ये नाम लिखा है. और हमारे कुछ पॉइंटर्स थे जो अपने रिसर्च करने के बाद हमें लगा कि हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन वो हमें हमसे मिले नहीं दिल्ली में. आप तो प्रोड्यूसर बन गए हैं आप इस फिल्म के साथ, इस बार काफी और भी ज्यादा निकला होगा ना प्रोडक्शन में, मतलब ये नाम पोस्टर वगैरह वापस जी जी डिजिटल में वापस से सब कुछ चेंज करा. एक हफ्ते पहले हमने चेंज किया सब जी, ये प्रोडक्शन ऑब्वियसली क्योंकि यू नो लास्ट वीक पे हमारी एनर्जीज जो है इस चीज में जाती हैं, जहाँ पे आप फिल्म को रिलीज कर रहे हैं डिलीवरीज, अभी हम बैठ के पोस्टर्स और कम्युनिकेशन चेंज कर रहे हैं, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो गया है. और ये थोड़ी अजीब बात थी कि ये चीट इंडिया जो है पिछले एक महीने से टेलीविजन पे चल रही है, प्रोमोस पास हो चुके थे, तो सडनली लास्ट एंड वक्त पे उन्होंने चेंज कर दिया. श्रेया जी, डेब्यू फिल्म है आपकी, एंड जब आपको बताया गया सबसे पहले कि आपकी इस फिल्म में इमरान हाशमी जी रहे हैं, मुझे लगा कि यार इमरान हाशमी का फिल्म है, मैं भी हूँगी ना, मेरे गाने अच्छे होंगे. दिस वॉज माई फर्स्ट थॉट, एंड मैं हमेशा मानती थी कि ये एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है और ये किरदार जो निभा रहे हैं इस फिल्म में ये बहुत ही अलग किस्म का है, पहले आपने नहीं देखा है इस अवतार में, टीका लगा के चश्मा लगा के, इट्स वेरी डिफरेंट. तो आपको पता चलेगा आपको फिल्म देखने के बाद कि ये परफेक्ट क्यों है इस रोल के लिए, क्योंकि जो ड्यूअलिटी दिखाई है हमने फिल्म में इनकी कैरेक्टर में कि वो बाहर से बहुत शरीफ दिख रहे हैं पर है नहीं, तो इससे बेहतर कोई और प्ले नहीं कर सकता अपार्ट फ्रॉम इमरान हाशमी. क्योंकि सोशल मीडिया प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सोशल मीडिया पे ऐसी बातें हो रही है कि इमरान जी आप इस तरह की फिल्में कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है आपकी फिल्में हिट हो, इस तरह का मैसेज है, लेकिन क्या वो किसिंग वाले सीन हम फिर से ऐसी है ना इस फिल्म में, इस फिल्म में भी है ना, गाने में है ना, गाने और पर्टिकुलर जिस तरह से आप कहते करते थे. हाँ मींस कुछ चीज़ें हैं जिससे लोग खुश हो जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस जो हम बदल चुके हैं इस फिल्म में, एक अलग कैरेक्टर जो मैंने कभी प्ले नहीं किया है, ये इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि एज एन एक्टर मैं चाहता हूँ कि कुछ और हमेशा कुछ और ऑडियंस को पेश करूँ, अलग पेश करूँ, वैरायटी ऑफ रोल्स पेश करूँ, ना कि वो सेम घिसी पिटी बात बार बार. तो जो टोनैलिटी है फिल्म की, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, जिस तरह शूट की गई है सारा, और राकेश सिंह का जैसा कैरेक्टर है, ऐसे इस तरह का कैरेक्टर मैंने कभी प्ले नहीं किया, तो ये एक नयापन है जो एक तरह से ऑडियंस को हम शो पसंद आएगा. हाँ बोलो. हाँ यही था कि उन्हें लगा कि ये नेगेटिव टाइटल है, इसको शायद वाई डालने से थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन देखिए हम जितना बोल सकते हैं अभी शायद कोई हमारी बात मानेगा नहीं. आप देख लीजिए ना, जब आप मीडिया के लोग आप जब फिल्म देखोगे कुछ दिनों में, तो
तो आप देख लो ये सही टाइटल था इसके लिए या ये सही टाइटल है भाई चीटिंग का, तो फिर आप लोग ये बात उठाइए फिल्म देखने के बाद। थोड़ा सा अलग सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि मी टू कंट्रोवर्सी को लेके बहुत सारी बातें हो चुकी है इंडस्ट्री में और अभी जो है एक बड़े डायरेक्टर का नाम सामने आया है, आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा, तो थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे उस बारे में एज अ फिल्म फ्रेटर्निटी का हिस्सा आप क्या सोचते हैं? हाँ, लेकिन मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि क्या है ना कि उसमें पहले तो कोई प्रूफ सामने आया नहीं है, एलिगेशन जो है वो डायरेक्टर ने कहा है कि बेबुनियाद है, तो पता नहीं वो इनके बीच वाली बात है, कुछ प्रूव नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे एलिगेशन आए हैं सामने, जब तक बात प्रूव नहीं होती ना तब तक उस पर बात करना शायद सही नहीं होगा। इस चीज़ की शुरुआत जो है तनुश्री दत्ता ने की थी, तनुश्री दत्ता ने आपके साथ काम किया लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ की थी उन्होंने, क्या कहेंगे सर उस बारे में? नहीं, बहुत अच्छा है कि उन्होंने इस मूवमेंट को इन द फोरफ्रंट वो लेके आई क्योंकि बहुत ज़रूरी था, ऐसे बहुत सारे मर्द हैं सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में नहीं जो औरतों का फ़ायदा उठाते हैं और इनको सोशल मीडिया के थ्रू अभी एवेन्यू मिल चुका है, तनुश्री ने ये जो वेव है शुरू किया है हमारे देश में, तो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। थोड़ा बहुत लेकिन इसमें थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे क्या था, टाइगर्स तभी प्रोड्यूसर्स ऑन बोर्ड थे और स्क्रिप्ट बन चुकी थी, हमारे जो डायरेक्टर थे उन्होंने बॉस्निया में वो स्क्रिप्ट लिख ली थी और उन्होंने जो रिसर्च किया था पहले से किया था, यहाँ से फ्रॉम स्क्रैच मैं इस फिल्म पे प्रोड्यूसर के तौर पर रहा हूँ तो थोड़ा और काम था इस फिल्म में। श्रेया, ये फिल्म आपके लिए क्या करेगी और क्या चाहती है, क्या करते हैं? ओ यार, मुझे पता नहीं क्या करेगी, फ्राइडे को पता चलेगा कि क्या करने वाली है फिल्म, बट आई होप, क्योंकि इतना पहली बार मेरा काम इतना लार्ज स्केल में प्रेजेंट हो रहा है और ऑडियंस जज कर सकती है कि मेरा काम कैसा है, मैंने क्या किया, मैंने और मैं पसंद आई कि नहीं, मुझे फिर से एंटरटेन करने का मौका मिलेगा या नहीं, तो या इस फ्राइडे को पता चलेगा कि इसके बाद होने क्या होने वाला, मैं भी एक्साइटेड हूँ पता लगाने के लिए। इमरान, आपके कुछ अंतिम शब्द जो आप समराइज करना चाहेंगे इस फिल्म को और वेल यही कि फिल्म हमारी वाई चीट इंडिया 18 जनवरी को रिलीज़ हो रही है और ये हमारे बहुत ही खोखले एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इस सिस्टम को सब हम झेल चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम इस सिस्टम से कुछ सीखते नहीं हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीखते नहीं हैं, रट्टा मारने का फंडा, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो क्वालिफाइड नहीं हैं, इसमें एक चीटिंग माफिया है जो बाकायदा हर स्टेट में काम करती है जो इस सिस्टम को और भी खोखला कर रही है, वो किस तरह से फंक्शन होती है वो आपको हमारी फिल्म में हम पेश कर रहे हैं वाई जी टी में 18 जनवरी को। थैंक यू। उनको क्या सलाह देना चाहिए, बच्चे बड़े और किस तरह से इसको आज के समय में प्रिवेंट किया जा सकता है अगर आप कुछ? वेल, प्रिवेंटिव यही है कि आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए, अगर अडल्ट शराब सिगरेट्स गुटखा ये सारी चीज़ें लेंगे तो कैंसर रेट जो है बढ़ जाता है, आप ठीक तरह से उस चीज़ को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। लोग सोचते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी के पास कैंसर है तो आपको कैंसर डेफिनेटली होगा, जेनेटिक कैंसर में एक बहुत ही छोटा परसेंटेज है वो है 10%, जो 90% कैंसर रेट्स होते हैं किसी भी सोसाइटी में वर्ल्ड वाइड वो एनवायरमेंटल रीजन की वजह होते हैं, जो आप एयर पोल्यूशन, खाना जो खा रहे हैं, आपकी खुराक अच्छी नहीं है, शराब, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों को चेक रखिए और आपको कभी कैंसर नहीं होगा। क्यूरेबल है और लोगों को आशा रखनी चाहिए? क्यूरेबल है, ज़रूर है, सिर्फ दवाइयों से नहीं है, कीमोथेरेपी और रेडिएशन से नहीं है, लेकिन जो खुराक है आपकी, जो एक लाइफ स्टाइल है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है उस मेडिसिन के साथ। यही है कि फैमिली आपको सपोर्ट करें, एक तरह से एक होप दें और अगर आपको लड़ना है तो इफ़ेक्टिवली आप इन चीज़ों से लड़ सकते हो, एक तो दवाई से है और खुराक, लाइफस्टाइल, और बस पॉजिटिव तरीके से लड़ें, दुआएं हो, आप दुआ करें, प्रार्थना करें कि आप ठीक हो जाएं और उस पर काम करें, एक्सरसाइज भी करें तो मामला ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।